आगरा एसएसपी अमित पाठक इन दिनों अपने काम और अंदाज को लेकर जाने जाते हैं। हर रोज सुबह अमित पाठक साइकिल चलाकर निकल पड़ते हैं और दूर दराज के थानों में व्यवस्था का जायजा लेने पहुंच जाते हैं। ऐसा ही कुछ आज भी देखने को मिला। आगरा के एसएसपी सुबह सवेरे साइकिल पर सवार, सिर पर हेलमेट, आंखों पर चश्मा, टी शर्ट और केपरी पहन औचक निरीक्षक करने थाना मलपुरा पहुंचे। थाने में जब हेलमेट उतारा तो थाने में हड़कंप मच गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि आईपीएस अधिकारी साइकिल चलाते हुए सामान्य व्यक्ति की तरह थाने में पहुंच जाएंगे। इस दौरान एसएसपी ने थाना मलपुरा का निरीक्षण किया और फरियादियों की फरियाद सुनी। इसके बाद एसएसपी अमित पाठक इसी अंदाज में काला चश्मा, पीठ पर बैग टांग कर आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पहुंच गए। काफी समय तक उसी अंदाज में स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखते रहे। लपके हैं और ऐसे वेंडर्स हैं या हॉकर्स हैं जो टूरिस्ट को परेशान करते हैं या जबरदस्ती ऊंचे दाम पर सामान बेचने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो लगातार सूचना मिल रही थी कि आगरा कैंट में, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण ट्रेनें आती हैं, गतिमान, ताज एक्सप्रेस, तो उससे काफ़ी संख्या में टूरिस्ट आगरा में आते, तो वहाँ से ही इनका एक ये नेटवर्क संचालित हो रहा है। तो उस पर हम लोगों ने पिछले एक दो महीने में काफ़ी कार्रवाई करी। तो आज उसी का ही रिव्यू करने के लिए यहाँ पर रेलवेज के भी सभी संबंधित विभागों के सीनियर ऑफिसर्स आए थे, तो हम लोग भी रिव्यू और असेसमेंट करने के लिए अपने हिसाब से यहाँ पर आए और पहले से काफ़ी स्थिति में सुधार मिला, अतिक्रमणों में भी सुधार हो गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित पाठक का अंदाज निराला है, अपनी कार्यशैली के कारण हर समय चर्चा में रहते हैं। एसएसपी आगरा शहर का भी इसी अंदाज में भ्रमण कर चुके हैं। उन्होंने बिजली घर चौराहे का इसी अंदाज में निरीक्षण किया था। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से ब्रिजभूषण की रिपोर्ट।